वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरी निकाय प्रकोष्ठ की बैठक प्रांताध्यक्ष बीपी शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में प्रकोष्ठ के सभी जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पेंशन दृष्टा पुरुष के रूप में सम्मान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरी निकाय प्रकोष्ठ से जुड़े अन्य संगठनों की बैठक प्रकोष्ठ के प्रांताध्यक्ष बीपी शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारी कांग्रेस के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कर्मचारी हितों के लिए लगातार कार्य कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया गया एवं इंद्रावती भवन रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पेंशन दृष्टा पुरुष के रूप में सम्मान करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी कांग्रेस के नेता संजय शर्मा ने प्रांताध्यक्ष बीपी शर्मा का पुष्पहार से स्वागत किया। रायपुर रवाना होने से पूर्व छत्तीसगढ़ कर्मचारी नगरी निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक संजय शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के बीपी शर्मा जी के द्वारा शनिवार को यहाँ बैठक ली गई थी कॉफी हाउस में, जिसमें दुर्ग जिले से और पूरे प्रदेश से, खासकर दुर्ग जिले से जितने भी कर्मचारी संगठन हैं कर्मचारी कांग्रेस के, उनका आह्वान हुआ कि पेंशन दृष्टा पुरुष के रूप में उनको सम्मान दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को इंद्रावती भवन में दोपहर में 1 बजे से। तो पूरे प्रदेश से लोग पहुंच रहे हैं इंद्रावती भवन, और ख़ासकर प्रांताध्यक्ष महोदय नगर निगम की समस्या को, प्रदेश स्तर की समस्या को, जिसमें पेंशन में उन्होंने 2004 के बाद के लोगों को पेंशन चालू कर दिया, अब पेंशन से ही पूरे लोगों को भुगतान होगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मुख्यमंत्री जी की। और साथ ही डीए का मुद्दा है, 14% डीए का, और भी कई कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हैं जो कि आज स्थानीय पेपरों में भी आए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के आज हम उनका सम्मान भी करेंगे इंद्रावती भवन में। पूरे प्रदेश के यूनियन के लीडर पहुंच रहे हैं आज 4 तारीख को। उसी बाबत हमारे यहाँ से भी 4 गाड़ियों में कम से कम 50 से 100 आदमी जो है यहाँ से रायपुर के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश भर के कर्मचारियों की लंबित मांगों, उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी के फलस्वरूप मुख्यमंत्री का कर्मचारियों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।